एक डार्क चीज इसके ऊपर धीरे 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 करके आ रही है, और ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता आज तक कि वो सपना है या सच है या क्या था। Hi guys, this is Himanshu and I hope you guys are doing absolutely fine. और आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आज हम लाइव क्यों आए हैं। सो जिन लोगों ने स्टोरी स्वाइप कर दी थी बिना पढ़े, उनको मैं बता दे उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आज हम लाइव आए हैं बिकॉज ट्रैवलर्स जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्टोरी सुन रहे हैं कि क्या 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 चीजें होती हैं जो हम रात को कैंप फायर के टाइम में भूत वाली स्टोरी या व्हाटएवर जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे शेयर कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज सबसे पहले हमारे पास जो गेस्ट हैं दी हांडर छोरी, छोरी फ्रॉम हरियाणा बट फ्रॉम विदेश राइट नाउ। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट। यस दी हांडर छोरी। यार पहले तो आप हमें पहले ये बताओ कि इस नाम के पीछे का क्या राज है, कैसे ये नाम पड़ा और कैसे दिमाग में आया ये नाम? बहुत से लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता है, तो प्लीज पहले मतलब भी बता दें। हंडोर इज बेसिकली स्लैंग, और जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो अक्सर इसको एज अ स्लैंग यूज किया जाता है हरियाणा में, जो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं भटकते रहते हैं उनके लिए बहुत हंडोर है, बहुत हांटती है, हांटता है जो भी है। सो ये सोर्स मेरी मौसी है, शी यूज टू कॉल मी हंडोर, तो आई थॉट व्हाट व्हाट अ कूल नेम, मतलब बहुत अलग सा है। तो या वेरी वेरी यूनिक एक्चुअली, इट्स लाइक अवारा नोमैडिक काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ यस वांडरलस्ट। प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, समथिंग लाइक हाउ यू स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड व्हाट डू यू डू प्रोफेशन। अभी तो मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर रही हूं, तो आई हैवंट एंटर्ड टीचिंग एज सच, बट हां इससे पहले मैंने रिसर्च किया है मेलबर्न लाट्रोब यूनिवर्सिटी। सो माय नेम इज निकिता और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है बॉटनी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी अगेन। उसके बाद आई डिड अ लिटिल रिसर्च इन अल्मोड़ा जीपी पंत, और उसके बाद कुछ नहीं, CSIR IHPT एंड देन अभी फिलहाल आई एम डूइंग अ मास्टर्स ऑफ टीचिंग। बट एज फार एज ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग आई थिंक क्योंकि मेरा बचपन इगतपुरी में बीता है जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही सुंदर जगह है, तो आई थिंक वहां से मेरा थोड़ा नेचर की तरफ इंक्लिनेशन शुरू हो गया था। और जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं ये ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे रहना है, तो आई थिंक वहां से ट्रैवल का शुरू हुआ, स्पेशली पहाड़ों की तरफ थोड़ा झुकाव लगाव जो भी है, तो वहां से शुरू हुआ। और जब मैं अल्मोड़ा गई तो उसके बाद आसपास की जगह बिनसर हो गया या बहुत सारी जगह जो मैं भूल रही हूँ कटारमल टेम्पल हो गया, कसार देवी, शाही देवी, कसार देवी, हाँ, तो ये सब चीजें बहुत थी जो मैंने एक्सप्लोर की वहां पे, तो आई थिंक यह वहां से शुरू हुआ। तो आज फिर आप हमें कहाँ लेके जाने वाले हो, कहाँ के किस्से सुनाने वाले हो? आई थिंक पिंडारी काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरी लाइफ में, तो पिंडारी इज अ ग्लेशियर ट्रैक जो कि आई थिंक सबसे लंबा मेरा ट्रैक था। वैसे वो इजी था बट आई थिंक मुझे काफी दिक्कत हुई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी उसके लिए। पिंडारी क्यों ऐसा, दूसरा ट्रैक क्यों नहीं, कोई इजी ट्रैक क्यों नहीं, डायरेक्ट सीधे पिंडारी? पिंडारी आई डोंट नो, मतलब एक्चुअली हुआ ये कि मेरे जो लैबमेट्स थे वो वहाँ, वो उनकी साइट है रिसर्च साइट, तो वहाँ पे वो बायोमास पे या जो इकोलॉजी है वहाँ की वो स्टडी करते हैं, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो ऑलरेडी मुझे मेरे कोलीग्स थे वो गाइड कर सकते थे मुझे, तो आई थिंक यहाँ वहां से आई गॉट एन आइडिया कि नहीं चलो पिंडारी चलते हैं पहले। हाँ मतलब थोड़ा बहुत बताओ कैसे, मतलब पिंडारी में मतलब मैंने पालती मार के बैठ जाऊँ और स्टोरी सुनने के लिए क्या हुआ कैसे हुआ? राइट तो पिंडारी इज पहले पहुंचना कैसे पिंडारी में, तो आप शुरू करो, मैं अल्मोड़ा से गई थी तो दिल्ली से यू टेक उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस चलती हैं, दुनिया भर की बसेस चलती हैं, वॉल्वो तक, वॉल्वो लेके आप हल्द्वानी तक जा सकते हैं, फिर हल्द्वानी से आप ऊपर शेयर्ड कैब्स या बसेस जो भी आपको पसंद है, फिर अल्मोड़ा से यू गो टू बागेश्वर, देन फ्रॉम बागेश्वर यू गो टू भराड़ी विच इज 15-20 किलोमीटर फ्रॉम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो प्लेस है, उसके बाद भराड़ी से देयर्स खरकिया, वो भी शेयर टैक्सी में, और वो रोड बहुत ही रगेड है, वहां से आपको एक्चुअल में पीक्स दिखनी शुरू होती हैं और फिर आपको लगता है ओ माय गॉड हम तो कुछ भी नहीं है, लाइक वो इतना इमेंस और इतना इनॉर्मस होता है कि आपको लगता है ह्यूमन लाइफ इज नथिंग इंडीड। और राइट उसके बाद खरकिया इज द लास्ट स्टॉप फॉर व्हीकल्स, उसके आगे कोई व्हीकल्स नहीं है, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी इस थॉट पे गौर किया ही नहीं था कि ऐसी भी जगहें होती हैं जहां पे आज की डेट में व्हीकल्स नहीं होते या लाइट्स नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो उसके बाद फ्रॉम खरकिया आप जाते हो ऑन
फुट जयकुनी गांव है, ये छोटे छोटे गांव है, जयकुनी जयकुनी से खाती, फिर वहां से ट्रैक शुरू होता है बेसिकली. तो खाती खाती से द्वाली, द्वाली से फुरकिया, फिर जीरो पॉइंट पिंडारी एंड देन बैक. तो ये था ओवरऑल. तो फिर वहां पे कैसे, मतलब पहले बेस कैंप था कोई या फिर सीधे ट्रैकिंग कैसे था, मतलब मल्टीपल बेस कैंप थे या फिर कैसे? वहां पे केएमवीएन के गेस्ट हाउसेस होते हैं, पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसेस होते हैं और लोगों ने अपने पर्सनल बना रखे होते हैं गेस्ट हाउसेस. तो व्हाट यू कैन डू इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप जयकुनी में या तो स्टे कर लो पहले दिन अगर आप बहुत थके हुए हो ओवरऑल जर्नी से. उसके बाद जयकुनी से आप अगला जो है वो खाती है, फिर खाती में भी पीडब्ल्यूडी है और अपना केएमवीएन के गेस्ट हाउसेस हैं. उसके बाद फिर द्वाली में है, फिर द्वाली से फिर फुरकिया में है, फुरकिया के बाद देयर इज नथिंग. और अगर आपको बहुत शौक है मून लाइट में सोने का या वैसे एक्सप्लोर करने का, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज यू कैन कैरी योर कैंप. तो फिर तुम कितने लोग थे ग्रुप में, गए थे सोलो ट्रिप था या कैसे था? हम काफी लोग थे, आई थिंक हम 7-8 लोग थे और हमने खाती में स्टे किया था आते टाइम और जाते टाइम जयकुनी में स्टे किया था. और ज्यादा महंगा नहीं है, इट्स रफली जब मैं गई थी तो इट वॉज 500 पर पर्सन पर हेड टू 700 आई थिंक. तो गाइज जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई अगर पिंडारी पहले गया हो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो और कुछ भी अगर ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूँ आप बता भी सकते हो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो चलिए शुरू करते हैं फिर. बाकी कोई ऐसी स्टोरी जो आपको ऐसा लगा कि लाइक यू नो काफी जो मेमोरीज हो जाती है ना एकदम कुछ ऐसे पल होते हैं. मेमोरीज को तो आई थिंक वो एक ही रूम में 7-8 लोगों का रुकना वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल. और जो बचपन के दिन होते हैं वो याद आ रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज हमने क्या किया था, मोमबत्ती जलाई हुई थी और वो हमने बंद कर दी एंड देन वी स्टार्टेड पिलो फाइटिंग अंधेरे में. और चले हुए मतलब 20 मिनट, इट वाज लाइक 20 मिनट में हम ऐसे हो गए थे जैसे हमने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की हुई है. तो मतलब ये किसी रीजन की वजह से एक ही कमरे में रुकना पड़ा था या फिर मजबूरी हो गई थी या नो कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था? उस टाइम पे बहुत पैक था, टूरिस्ट सीजन था. ओके. तो आई थिंक उस चक्कर में फिर हम एक जगह रुके थे. किस टाइम पे गए थे आप, कौन से मंथ में गए थे एग्जैक्टली? अप्रैल 2017. और ये सही टाइम है वहां जाने का, मतलब पीक टाइम? हाँ ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि यहाँ पे लाइक वार्म थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं. Also, peaks clearly नजर आती हैं. किसी ने खाने के लिए पूछा था क्वेश्चन ना एक, तो खाने का आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पहली बात तो आप अपना कुछ जरूर कैरी करें क्योंकि वो बहुत लंबे स्ट्रेच हो जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता. आई रिमेम्बर खाती से द्वाली के बीच का जो रास्ता था वो मेंशन था 13 किलोमीटर, बट वो आई थिंक ज्यादा होगा तो 17 से 19 किलोमीटर तो पक्का था. और बीच में बोल्डर्स आते हैं, तो बोल्डर्स आते हैं and you don't have anywhere to eat. उसके बीच में सिर्फ एक चाय की स्टॉल है, वो भी बिल्कुल आई थिंक मिडवे आती है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू हैव समथिंग इन स्टॉक, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चिप्स हो गए, एनीथिंग दैट यू थिंक कैन गिव यू कैलोरीज और एनर्जी, स्नैक्स. हाँ ऑल्सो खाने के लिए जो भी गेस्ट हाउसेज है वहाँ पे आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स मिलते हैं. बहुत ज्यादा फैंसी डोंट एक्सपेक्ट क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो खाना जाता है वो जितना भी प्लेन एरिया है वहाँ से जाता है वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ म्यूल्स. और लोग जो है वो मैनुअली कैरी करते हैं उनको, तो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर. बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है और वहाँ की जो स्पेशलिटी है जो वहाँ के राजमा होते हैं यू कैन ट्राई दैट. बाकी आपको बेसिक स्टफ मैगी, राजमा चावल और नॉर्मल आलू के पराठे ये सब मिल जाएगा. तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको मतलब वहाँ तक पहुँचने में? चैलेंजेस एक तो आई थिंक आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, आपकी आंखें बहुत खुलती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की. और चैलेंजेस मेनली ट्रैक का लेवल ही था जहाँ पे बोल्डर्स आए, जो एक एक जो सबसे लंबा स्ट्रेच में बता रही हूँ वो टफेस्ट था और बहुत चांसेस थे कि हम उसमें गुम हो जाते अगर हमारे पास लाइक टीम नहीं होती या गाइड नहीं होता. तो बहुत आराम से गुम हो सकते हो आप, बहुत आराम से डिहाइड्रेट हो सकते हो क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम पे ट्रैवलिंग कर रहे हो स्पेशली ट्रैकिंग कर रहे हो तो हाई चांसेस सन डायरेक्ट पड़ता है, बहुत शार्प होता है, सन बर्न्स होते हैं, स्किन जलने लगती है और बोल्डर्स बहुत बहुत मुश्किल लगते हैं, वो लाइक वो बहुत टफ बना देते हैं उस जर्नी को. अच्छा वो जो आपने वो बात बताई ना कि हम बिना प्रिपरेशन के चले गए तो उससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया.
अभी बहुत पहले की बात है जब मैंने ट्रैकिंग बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं करी थी, मतलब काफी ऐसे ट्रैवल करता था, तो मेरा एक फ्रेंड है मनोज, उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि यार मैं ऐसे से जा रहा हूँ, वो प्रॉपर ट्रैकर है, उसके ऊपर फिटबिट था उस टाइम पे, सब कुछ था, तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ एक ट्रैक पे, चलेगा? तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला किस ट्रैक पे जाना है? तो कहता है कि मून लेक जाएंगे। पहले गूगल करा मून लेक क्या है, चंद्रताल जाएंगे, तो मैंने देखा यार हम मई के टाइम की बात है, और मई के टाइम पे जनरली वहाँ पे बंद रहता है, मतलब अब तो काफी चेंजेस आ गए बिकॉज क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो उस टाइम पे आई थिंक 2 साल पुरानी बात होगी, तो उस टाइम पे वो बंद रहता था वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ये रोहतांग पास वगैरह सारा बंद हो जाता है उस बर्फ की वजह से, स्नो की वजह से सारा बंद रहता है, तो आप जा नहीं पाते। तो हमारा कुछ ऐसा, मैंने जब नेट पे पढ़ा ये सब कि यार ये तो रिस्की है अभी जाना वहाँ पे, तो उसने बोला यार कि कोई बात नहीं है, जहाँ पे बंद होगा हम पैदल चल लेंगे, मतलब ही वॉज लाइक वेरी डेडिकेटेड कि मुझे जाना ही है। तो मैंने बोला यार ये लग तो ठीक रहा है, लेकिन अगर कुछ बीटी होगी तो मेरी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर समहाउ उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि चल रहे हैं। तो मैंने पहले वहां पे फोन किया उधर जो हिमाचल बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई बसेस चल रही है, तो उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने डेट्स बताई कि इन इन डेट्स में चलेंगी, और अभी बसेस ताजा वाली जो बस चलती है वहां से वो नहीं चल रही है। तो फिर हमने फिर डिस्कशन किया, ऐसी ऐसी बात भी, फिर बातों बातों में मैंने उसे पूछा ट्रैक कितना लंबा है ये तो बता, तो उसने बोला यार तू तो पहाड़ी आदमी है, कहाँ ट्रैक के लिए इतना सोच रहा है, सब हो जाएगा, हम बचपन से पैदल चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे भी लगा यार हाँ बात तो सही कह रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार हो जाएगा चलो 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 ठीक है। तो हम समाओ सब कुछ करके पहुंच गया, हम उतरे वहां पे चाचा दादी का ढाबा है बीच में बाटल में, तो वहां पे हम उतरे। वहां से दो रास्ते हैं, एक तो आप सीधे सीधे चले जाओ वहीं से स्टार्ट कर लो ट्रैक, दूसरा थोड़ा सा और बस छोड़ देती है, तो वहां से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। इवन वहां पे आप गाड़ी में भी जा सकते हो, पूरी प्रॉपर रोड है, मतलब प्रॉपर तो नहीं बोलूंगा ऑफ रोडिंग है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग। और अगर आप चाहो तो जो वेंडर्स वहां पे टेंट वगैरह लगाते हैं ना उनसे लिफ्ट ले लो, तो वो लोग जो सामान उनका आता है उसमें जा सकते हो। तो बट हमारा तो भाई एटीट्यूड की भाई पहाड़ी आदमी है और भाई पैदल जाएंगे ट्रैक पूरा करेंगे, आई थिंक 16 किलोमीटर ऐसे कुछ अच्छा खासा ट्रैक था, तो पूरा जोश के साथ स्टार्ट कर दिया ट्रैक, और हम जा रहे हैं और कोई नहीं है, और एक दो बाइक वाले आ रहे हैं, और हम और मतलब और एनर्जी आ रही है कि यार लोग आ रहे जा रहे हैं, चलो ठीक है। उसे थोड़ी देर में स्नोफॉल होने लगा, और जैसे ही 1 किलोमीटर क्रॉस हुआ ठंडी हवा चल रही है, और यू नो, और फिर थोड़ा ना रिलाइज होने लगा कि कुछ हो रहा है, और जैसे ही 1.5 किलोमीटर क्रॉस हुआ मेरी पूरी जीव यहाँ से लटक के यहाँ बैठ गया किनारे। मैंने कहा भाई अब नहीं होगा, कैसे हो गया भाई 16 किलोमीटर जाना है, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, ये देखो तो पहाड़ी है, मुझे फंसा दिया यहाँ पे, मतलब पहाड़ी कुछ नहीं। I know, बहुत स्ट्रेंज होता है, बहुत स्केरी होता है। एक्चुअली हम लोग बचपन से बहुत चलते हैं, बट एक्चुअली मैं 7 साल से ही गुड़गांव आ गया, मतलब शिफ्ट हो गया था, तो यू नो मतलब इतना फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी, राइट? तो लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और वो समहाउ मैंने वो उसकी अलग स्टोरी कैसे कैसे करके हम पहुंचे वहाँ। तो लेकिन समहाउ जब मैं वहां से वापस आया ना, तो मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा मुझे सबसे पहले फिट होना है, क्योंकि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं 1.5 किलोमीटर नहीं चल पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और फिट हुआ, और क्या तो मैंने ट्रैक की लाइन लगा दी, मतलब बहुत सारे ट्रैक किए उसके बाद। तो ये मतलब काफी कभी कई बार ऐसा होता है ना कि आपको खुद रियलाइज हो जाता है कि जगह उसपे हाथी टू द्वाली, द्वाली टू फुरकिया, ये हमने एक ही दिन में किया था। और आई रिमेम्बर एक पॉइंट ऐसा आया था जब मेरे पैर फ्रीज हो गए थे, फ्रीज एज इन लाइक नॉट लिटरल फ्रीज बट जम गए थे, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड। और जब मैं बेड पे लेटी तो आई कुड नॉट फील माई लेग्स, मतलब मुझे इतना खतरनाक हो गया था। बट आई जस्ट रियलाइज कि हम बहुत ज्यादा चल दिए हैं, प्लस बोल्डर्स पे चलना इज बहुत डिफरेंट दैन नॉर्मल पाथवे, प्लेन पाथवे पे चलना। बट हाँ आई थिंक दैट इज हाउ यू लर्न, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक छोटे ट्रैक्स पहले करने चाहिए, बट वही मेरी भी लर्निंग थी कि कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लाइक थोड़ा आपने स्ट्रेचिंग वगैरह या रनिंग वगैरह करी हो, बिकॉज़ क्या होता है ना हमारे लंग्स थोड़े प्रिपेयर हो जाते हैं उस सिचुएशन के लिए, कैपेसिटी बढ़ जाती है उनकी, कैपेसिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली बेस कैंप का भी बता रहे थे कि बेस कैंप में यू नो कैसा टेम्परेचर था और क्या वहाँ पे, बिल्कुल जैसे एवरेस्ट का बेस कैंप दिखा मैंने वीडियो में वैसे ही था कुछ, या फिर कुछ अलग सा था? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मतलब इतना हार्डकोर नहीं था, नॉर्मल सा था बर्फ। हाँ मतलब बहुत मजेदार सा सीन था, और मैं तो जा भी नहीं रही थी, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्हें पता है कि ये थक जाती है, शी गिव्स अप आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, बट शी विल रिग्रेट इट लेटर ऑन। तो वो मुझे जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे, चल चल चल। तो बहुत खूबसूरत, मतलब
और आपको ये पता चल जाता है कि आप बहुत इनसिग्निफिकेंट हो नेचर मदर नेचर के सामने. लेयर्स ऑफ बर्फ जो पता नहीं कितने सालों से जमी हुई है और जो कितने नदियों का स्रोत है और पहाड़ है और बस आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल एक पार्टिकल ऑफ सैंड हो उस टाइम पे ना. कुछ मैटर नहीं करता आपको बस ये लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है एंड और आप कितनी कोशिश कर लो उसको क्लिक करने की या फिर वैसे बट द सीन दैट यू हैव इन योर माइंड जो कि आपकी आईज ने कैप्चर किया है और मेमोरी रिटेन करती है आई डोंट थिंक एनी कैमरा डज जस्टिस टू इट. तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप वहाँ खड़े रहो और इन्जॉय करो उस चीज को. हरकिया से जयकुनी जा रहे थे तो बीच में एक जगह है छोटा सा पुल है और वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी थी. तो जब हमने पूछा कि ये इतनी सारी मूर्तियां क्यों रखी हुई हैं यहाँ पे तो द पोर्टर सेड कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची की डेथ हुई थी और वो छोटी बच्ची दिखती थी लोगों को आते जाते लोगों को दिखती थी और स्पेशली जो नेटिव्स थे उनको बहुत दिखती थी. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कि उसको मुक्ति नहीं मिली थी या जो भी आई डोंट नो बट कमजोर दिल वालों देख लो जो देख रहे हैं डरना मत. तो इसलिए उन्होंने बोला कि लाइक ये इसलिए भगवान की मूर्ति रखवाई है और यहाँ पे कुछ हवन या कुछ पूजा टाइप कुछ तो हुई थी. तो और ऑब्वियसली जब हम और भी जो ग्रुप्स आते हैं उनसे कॉन्वर्सेशन होती है रात को बैठ के बॉनफायर के आसपास तो दैट इज ऑल्सो अनदर ब्यूटिफुल एस्पेक्ट यू गेट टू मीट पीपल एंड स्टफ लाइक दैट. हाई तुषार. तो तुषार वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स जो हमारे साथ गया था और राइट. तो उनकी कहानियां और उनके पोर्टर की कहानियां उनके पोर्टर ने हमें ऐसे ये बोला कि देव उत्तराखंड ठहरी और देवभूमि ठहरी और यहाँ पे ना मैडम परियां भी होती हैं और मैं उसको बस देख रही थी कि अच्छा मतलब आई कुडंट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट बट कुछ मान्यता है कुछ जो भी है मतलब बट आई डिडंट क्रॉस क्वेश्चन इट और बिकॉज दे वो बस बिलीव करते आए उस चीज को. मैं एक दिन में जाके आई कांट से एनीथिंग अबाउट देम. तो अब भूत वाली स्टोरी तुमने अगर स्टार्ट कर ही दी है तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे तो तुम्हें लगा कि बिकॉज होता है साइकोलॉजिकली होता है ना जब तुम बहुत सारी रात को काम करते हो तो फिर ऐसा लगने लगता है कि वो टेंट का ना वो चेंज कर रही है तो कुछ है या कोई चल रही है तो कुछ है. राइट. मेरी पर्सनल कोई कहानी नहीं है मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ तो आई एम वेरी केयरफुल ऑफ दीज फैक्ट्स की जो मुझे मना किया जा रहा है तो मैं नहीं करूँगी. बट या पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनके किस्से सुने हैं मैंने. तुषार के साथ किस्सा सुना है. तुषार सो रहा था एंड ही सेड कि मैंने ये शायद कहीं वॉन्डर कर रहा था ऐसे ही तो इसको मना किया कि वहां पे मत जाओ और वहां पे कुछ टोकरी रखी थी समथिंग कुछ टोकरी में कुछ रखा हुआ था. तो ये क्यूरियस था ये बहुत क्यूरियस है साइंस स्टूडेंट. सो ही सेज कि बस ऐसे घूम रहे वहां पे देख रहे कि क्या है क्या है. तो पोर्टर ने इनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया इसको कि मत जा वहां पे. तो इसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया इसने बोला ठीक है. बट जब ये रात को सोया है जो हम सारे एक कमरे में सोए हैं तो इसको फील हो रहा था कि कुछ एक डार्क चीज इसके ऊपर धीरे 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 करके आ रही है और ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता आज तक कि वो सपना है या सच है या क्या था. और इसने पूछा भी था कि कौन ऐसे करके और हम सब उठ गए थे उस टाइम पे और बट दिस वाज स्कैरी मतलब मुझे नहीं पता इसकी इमेजिनेशन थी या क्या था या सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा था. सही बोल रही है कमेंट करके बताओ जल्दी. और हमारे साथ ये जो दो जुड़े हुए हैं लोग आरती और भावना सुरागी ये भी गए थे हमारे साथ. तो हाय आरती हाय भावना. तुषार सेड समथिंग अबाउट द स्टोरी. I had a heavy feeling starting from my toe and when the heaviness reached to my neck I said corn and it went away inversely. So see scary stuff. Wow. Seriously yaar matlab kabhi aisa hota hai na to bada matlab being a pahadi like main bhi almoda se hu aur matlab belong karta hu aur villages mein jata rehta hu to wahan pe bhi kai sare aise activities hoti rehti hai because hum logo ne bachpan se aisa dekha hua hai na pooja wagera aur वो भी बिल्कुल हार्डकोर पूजा होती है गांव को बुला के इस काइंड ऑफ स्टफ. तो हालांकि मैं अपना मैं सिटी में रहता था अल्मोड़ा सिटी में तो मेरा अपना वो नहीं था कनेक्शन बट फिर भी एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि होता है ये तो है. बट मे बी इवन इफ यू डोंट अगर आप उसको बिलीव भी नहीं करते तो आप उसको लेकिन जो लोग उसको बिलीव करते हैं आप उनको मुझे नहीं लगता आपको कमेंट करना चाहिए बिकॉज उनका कल्चर और ट्रेडिशन इज वेरी डिफरेंट
जो तुम्हारा है. तो आई थिंक जस्ट बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ द फैक्ट कि ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मुझे नहीं इंटरफेयर करना चाहिए. हैव यू हर्ड अबाउट बेसी जागर? जागर, हाँ. जागर तो मैंने विटनेस किया है और वो बहुत जागर इज द थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, लाइक कि सारे गांव को बुला के पूजा करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जागर. हाँ, राइट राइट राइट. बट दैट इज लाइक ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, तुम्हारी आंखें खुलती हैं, एज आई सेड कि तुम बहुत एक्सपोज होते हो नई नई चीजों के, तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में. जागर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जागर इज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई देख रहा है या सुन रहा है, तो जागर इज द थिंग लाइक वो किसी को रिक्वेस्ट करता है जो जिनके हमारे कहते हैं आंग में भगवान है ना, दैट मीन की उनका कॉन्टेक्ट रहता है किसी पावर से, और वो जब कुछ ऐसी मेडिटेशन करते हैं तो उनके कनेक्शन बन जाता है, सब कुछ होता है. तो जागर इज थिंग कि हम उनको जगाते हैं, जैसे ऐसे लोग जो लोग होंगे ना जिनका कनेक्शन बनता है, तो उनको जगाते हैं ताकि उनका कनेक्शन बने, और उसके बाद फिर हम उनसे क्वेश्चनिंग करें. तो इसमें कई बार ऐसा होता है लोगों का भूत उतारते हैं, जैसे किसी को भूत लग जाता है तो जागर में उसको बुलाया जाता है, तो उसको रखा जाता है. जागर में मतलब बहुत सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हुड़का बोलते हैं वहाँ पे, वो होता है. तो उससे जब वो जग जाते हैं तो फिर उनसे कुछ भी क्वेश्चंस करो, तो ऐसा तो मैंने देखा है शायद एक बार बहुत बचपन में, बट ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने वीडियोज भी देखी हुई है कि जब जागर में जो भी बंदा होता है उसके अंदर देवी देवता आ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल आग खा लेता है, और मतलब अनबिलीवेबल थिंग करता है, अनयूजुअल थिंग. तो वो एक है कि लाइक उस पे एक बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, लोग यार एक आदमी कैसे मतलब ऐसे करो, उसके बाद उसको कुछ नहीं होता. तो जागर इज दिस थिंग लाइक जगाना, और देन क्वेश्चनिंग कि यू कैन आस्क एनीथिंग कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर वो कुछ कुछ बताएंगे, और दिस इज कॉल्ड जागर. आई थिंक जागर कैन बी वन टॉपिक जिस पे आप अपनी वीडियो बना सकते हो. इट्स ब्यूटीफुल, आई मीन पीपल डोंट नो अबाउट इट, मतलब जब पीपल हिल्स में जाते, व्हेन पीपल गो टू हिल्स फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग या जो भी, वो एंजॉय करते हैं, खाते पीते आ जाते हैं, बट दे हैव नो क्लू अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट. मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं थोड़ा अपना प्रमोशन डाल देता हूँ, बीच में प्लग इन कर देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको ट्रैवलिंग वीडियोस पसंद है, ट्रैवल व्लॉगिंग आप देखते हो, तो आप चैनल फॉलो कर सकते हैं माउंटेन व्हीलर, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो फॉर ट्रैवल वाइब, और साथ ही साथ में हंडर चोरी का भी हैंडल है जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर अमेजिंग ट्रैवल स्टोरीज. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सी यू सून. बाय हिमांशु. बी सेफ, हैव अ गुड टाइम, और जितना भी हो सके घर के अंदर रहिए, हाथ साफ करते रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और बिकॉज कोरोना खत्म होने के बहुत सारा ट्रैवल करना है, इसलिए अपने आपको बचा के रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. See you soon.